हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराने जा रही हूँ। जो टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास हमारी 7th क्लास है और ये मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है। और इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि हमने टीजीटी और पीजीटी के कंप्लीट कोर्स को कराने के लिए पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 3 पार्ट में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, जो तीनों पार्ट होंगे। जो लेवल 1 है तो अभी उसकी प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं, पूरा कंप्लीट होने के बाद लेवल 2 और फिर लेवल 3 कराएंगे। तो हमारे लेवल 1 में 6 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हमारी 7th क्लास है। तो अब इसमें मैं आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्रिक्स, क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब आप ये देखिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं। या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ जाएगा पेपर 1, जो लोग दिल्ली सबॉर्डिनेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, या फिर जो सब्जेक्ट दे रहे हैं सब्जेक्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, अब ये देखिए इसमें क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखिए, अब इसमें जैसे मान लीजिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। ठीक, और परम्यूटेशन जैसे कोई भी वर्ड है उसमें से लेटर्स चूज करना है तो इसके लिए हम परम्यूटेशन लगाते हैं और कॉम्बिनेशन लगाते हैं जब किसी ग्रुप से कोई चीज़ निकालनी हो। ठीक है, किसी ग्रुप से कोई चीज़ निकालनी हो तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। परम्यूटेशन का फॉर्मूला पी से डिनोट करते हैं इसे, और NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है, ये फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल मीन्स होता है जैसे फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, तो उसी नंबर से लेके 1 तक मल्टीप्लाई कर दें अगर एक एक नंबर रिड्यूस करते हुए, तो ये फैक्टोरियल हो जाता है। फैक्टोरियल को हम दो तरीके से भी लिखते हैं, एक तो ऐसे करके डॉट बना देते हैं या फिर फैक्टोरियल 5, दोनों सेम है। तो कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स स्टूडेंट को ही पढ़ा रही हूँ जो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको बहुत बेसिक कराने की ज़रूरत नहीं है और ट्रिक्स केवल बताऊँगी इसमें। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला हो गया, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, ये हो गया फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगता है जब आप कोई चीज़ ग्रुप से निकालें। क्लियर, अच्छा, आप जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हर तरह के एक एक क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगी, और ये क्लास आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है और आगे से ये क्लासेस आपकी इसी पर होंगी। देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड बिहार, तो बिहार से, बिहार जो वर्ड है इसको, इसे लेटर चूज करके कितने तरीके से बिहार को लिखा जा सकता है, मतलब लेटर्स को इधर उधर जंबल फॉर्म में लिखना है तो कितने तरीके से आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले BIHAR बिहार की स्पेलिंग लिख ली। अब देख लीजिए कितने हो गए टोटल लेटर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेटर्स हो गए। दैट मीन्स कि बिहार को हम फैक्टोरियल 5 वे से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 मीन्स 5, 4, 3, 2, 1, और सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5, 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, तो ये आपका आंसर आ गया 120। ठीक है, 120 आपका आंसर आ गया इसका। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई, ये जो वर्ड था बिहार में से सारे को चूज करना था लेटर्स, इसमें और कोई कंडीशन दी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट इसमें दिया है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड डॉटर, अब डॉटर है लेकिन आगे कंडीशन दी है सो दैट वॉवल्स कम टूगेदर,
पहले वाले क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी थी, इस क्वेश्चन में कंडीशन भी दी है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डॉटर में कितने तरीके से लिख सकते हैं कि वॉवल्स एक साथ रहें। तो हम क्या करते हैं, डॉटर में से वॉवल्स को देख लेते हैं, कौन से ए ई आई ओ यू होता है, तो ए यू और ई तीन जो हैं वो वॉवल्स हैं इसमें। तो जो टोटल बचा आपका, टोटल क्या बचेगा, डी फिर जी एच टी आर, ठीक है। और जो वॉवल्स हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, ए यू ई, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, और ये टोटल एक 6 हो गया, एक यूनिट मान लिया वॉवल को, ठीक है। तो अब इसको कितने तरीके से लिखेंगे, वॉवल्स को हमने एक साथ लिखा, अब क्या करना है, ये टोटल हो गए 1 2 3 4 5, ये और टोटल 6, तो फैक्टोरियल 6 वेज से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और जो वॉवल आए ये तीन लेटर्स हुए, तो तीन लेटर में मीस हो गया, फैक्टोरियल 3 वेज से इसको हम चूज कर सकते हैं। तो पहले तो ये एज अ यूनिट हो गया, क्योंकि जहाँ पर भी शिफ्ट होगा सारे एक साथ होंगे, बट ये भी एक इधर उधर मर्ज करेगा तो ये फैक्टोरियल 3 वेज से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे और 6 into, इसको पूरा ओपन करेंगे, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और फैक्टोरियल 3 को भी ओपन कर लेंगे, 3 into 2, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। मतलब कि मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आंसर लिख दीजिएगा। आंसर मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4320, 4320 इसका आंसर आ जाएगा, 4320। आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ तक मेन जो था वो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है, बाकी जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करना है इससे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अब नेक्स्ट है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रा सो दैट वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। मीन्स हुआ कि इसमें वॉवल्स एक साथ नहीं हैं, होने ही नहीं चाहिए, नेवर टुगेदर। तो पहले क्वेश्चन में था कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन में था कि वॉवल्स एक साथ हो तब आपको अरेंज करना है, तीसरे क्वेश्चन में है कि वॉवल्स एक साथ नहीं होने चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है पहले दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल पॉसिबल आउटपुट निकालेंगे, पूरा टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दोबारा निकालेंगे कि वॉवल्स को एक साथ लिख के कितने तरीके से अरेंज करेंगे, उसके बाद दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो नेवर टुगेदर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए ई एक्स टी आर ए, एक्स्ट्रा को टोटल कितने वेज से लिख सकते हैं, टोटल वेज से लिख सकते हैं कितने तरीके से, 1 2 3 4 5, तो 5 टोटल हैं, फैक्टोरियल 5 वेज से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 को हमने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू हमारी आ गई थी 120 आई थी। अब आपको क्या करना है इसमें कि वॉवल्स को एक साथ लेना है, वॉवल अगर एक साथ लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स टी आर ई ए, तो
इसमें देख लीजिए कि एक्स्ट्रा को हम फैक्टोरियल 5 तरीके से लिख सकते हैं, तो 120 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, वॉवल्स को एक साथ ले लिया। जो वॉवल्स हैं आपके वो कौन से हैं, ई और ए, तो ई ए को हमने एक साथ ले लिया और ये बन गया हमारा टोटल। अब इसमें वॉवल्स टुगेदर होने चाहिए, वॉवल्स टुगेदर। तो वॉवल्स टुगेदर जब होगा तो कैसे करेंगे इसे कि 1 2 3 और पूरा पूरा इसको काउंट कर लेंगे तो 4 फैक्टोरियल 4 वेज से हो जाएगा ये, और 2 वॉवल्स हैं इसलिए फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 × 3 × 2 × 1 और इसको लिख देंगे 2 × 1 और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा ये, 6 6 4 24 48 आ गया। ये 48 आ गया कि वॉवल एक साथ हो तो हम लिख सकते हैं। इसके अलावा ये आया आपका टोटल, तो अब नेवर टुगेदर आएगा, यहाँ लिख दीजिए वॉवल्स नेवर टुगेदर। क्या करेंगे, 120 में से 48 को माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 11 - 4 72 आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है कि वॉवल्स एक साथ नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर ऑफ वर्ड डायरेक्टर। डायरेक्टर वर्ड आपको दिया है और इसमें सो दैट वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वॉवल्स एक साथ होने चाहिए। तो वही चीज़ है कि जो अब इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें लेटर रिपीट भी कर रहे हैं, पहले वाले में लेटर रिपीट नहीं कर रहे थे, तो अभी इसमें क्या करना है कि वॉवल्स को एक साथ लिखते हैं। डी आई आर ई सी टी ओ आर डायरेक्टर हो गया। ठीक, अब इसमें वॉवल्स एक साथ ले लें, 3 वॉवल है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, डी आर डी आर सी टी फिर आर और फिर वॉवल्स एक साथ ले लें, आई ई ओ। ठीक है, वॉवल्स को हमने एक साथ लिख लिया तो ऐसा हो गया। अब ये टोटल इसको काउंट करेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 तो टोटल 6 हो गया, ये 3 वॉवल्स है तो इंटू 3 हो गया, और अपॉन क्या करना पड़ेगा, जितने लेटर्स रिपीट किए हैं उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आर एक तो ये है और दूसरा आर ये है, तो 2 आर हैं, दैट मीन्स हो गया कि फैक्टोरियल 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, और अगर और भी कोई लेटर इसको इसमें होता 2 बार 3 बार या 4 बार, तो फैक्टोरियल अगर 4 बार होता तो 4 से डिवाइड करते, तो इसमें बस यही डिफरेंस है कि इसमें इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये रिपीट कर रहा था इसलिए 2 आ गया यहाँ पे, क्योंकि आर 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और हम इसको ऐसा करते हैं ना कि एक चीज़ ओपन करते हैं नीचे वाले के बराबर तक, ये देखिए कैंसिल हो गया। ठीक, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 30 × 72 0 6 2 1 6 0 2160 इसका आंसर आएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका, हाँ जी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 2160 ही आ रहा है, मैंने अभी चेक कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग ये मतलब क्वेश्चन मैंने जो अभी करवाए थे आपको, क्या था, एक था सिंपल बिहार जिसमें टोटल अरेंज करना था, दूसरा वाला क्वेश्चन था कि वॉवल्स ऑलवेज टुगेदर होना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन था कि नेवर टुगेदर होना चाहिए, वॉवल्स नेवर टुगेदर।
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि लेटर्स भी रिपीट कर रहे थे, अलग अलग टाइप के एक एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका ये वाला क्वेश्चन। अब ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन में क्या देखना है आपको, हाउ मेनी फोर लेटर्स वर्ड कैन, सॉरी, हाउ मेनी फोर लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन फॉर्म्ड आउट ऑफ वर्ड लॉगरिथम्स। लॉगरिथम जो है वर्ड, उससे आपको चार लेटर चूज करने, ठीक। तो अब इसमें और एक चीज और दिया है इसमें कि इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते। जो लेटर आप यूज कर कर चुके हैं उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो अब आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो कितने ही लेटर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 है इसमें। तो आपका एन पी आर का फॉर्मूला लगेगा, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर। ये मैंने अभी जब फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उससे पहले फॉर्मूला बताया था, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एन आपका 10 हो गया और चूज कितने करने हैं, फोर लेटर्स। अब इसे पुट कर देंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन ये कितना बचेगा, फैक्टोरियल 6। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल। ज़्यादा वाली वैल्यू को कम वाली वैल्यू तक एक्सपेंड करते हैं और उसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 ज़्यादा था 6 से, तो हमने 10 को एक्सपेंड किया 6 तक ले करके गए, 10 को ओपन कर दिया, ठीक है। जब एक एक रिड्यूस होकर के गया तो ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, देखिए फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 90 into 56 और ये वैल्यू आपकी आ गई 5040। इसका आंसर आ जाएगा 5040। जरा आंसर हम इसमें चेक कर लेते हैं और इसका आंसर, ये क्वेश्चन मैंने कौन सा दिया था लॉगरिथम का, 5040 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करिएगा कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सभी को धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, 5 जनवरी तक सबको ऐड कर दूंगी। अगर जो लोग नहीं ऐड हो पाए हैं तो उनको वो दोबारा 5 जनवरी के बाद मुझे मैसेज भेजते हैं, क्योंकि मैंने ग्रुप अलग बना लिए हैं, सभी के कोर्स के अकॉर्डिंग ही उनको मिलेंगे असाइनमेंट और नोट्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में लॉगरिथम का फॉर्मूला लग गया, और सॉरी, इसमें लॉगरिथम वाले क्वेश्चन में परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा दिया और इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, और ये देख लीजिए, इन हाउ मेनी वेज कैन द ग्रुप ऑफ 5 men and 2 women बी मेड आउट ऑफ टोटल 6 men and 3 women। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको चूज करने हैं, 5 men चूज करने हैं और 2 women चूज करनी है आपको। किस में से चूज करनी है, 7 men और 3 women से। आपके पास टोटल 7 men और 3 women है और जिसमें से चूज करनी है 5 men and 2 women चूज करनी है, ठीक। अब आपको करना है क्या है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, 7 में से 5 चूज करिए, 3 में से 2 चूज करिए, ठीक है। बीच में एंड लगा है तो एंड मीन्स होता है इनटू। इसमें फॉर्मूले में याद रखिएगा, जैसे एंड कहीं भी लगा है तो मतलब हो गया इनटू, और अगर और लगा है और मीन्स हो गया प्लस,
ये ध्यान रखिएगा, ये पूरे टॉपिक में एक परमिटेशन में भी लगेगा और दूसरा प्रोबेबिलिटी में भी ये वाले लग जाते हैं, जहाँ भी एंड दिया होता है मल्टीप्लाई करते हैं और लगता है तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि फाइव मैन चूज करने हैं सेवन मैन में से, तो सेवन सी फाइव, सात मैन में से फाइव चूज कर लिए। ठीक, एंड थ्री वुमेन में से, तीन वुमेन में से दो वुमेन चूज की, इसका मतलब तो यही हुआ सात में से पांच चूज किए, तीन में से दो चूज किए। ठीक है, अब आपको एंड लगाया है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया और इसका फॉर्मूला लगा देंगे सेवन सी फाइव का, तो फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल फाइव इंटू सेवन माइनस फाइव, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू थ्री माइनस टू। ठीक, आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा आपका फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल फाइव इंटू फैक्टोरियल टू, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल थ्री माइनस टू वन, और वन को हम लिख नहीं रहे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लें यहाँ, तो फैक्टोरियल सेवन को ओपन कर लें कि फाइव कैंसिल हो जाए, तो फैक्टोरियल सेवन को कैसे लिखेंगे सेवन सिक्स फाइव। ठीक, और नीचे भी आ गया फाइव, और फैक्टोरियल टू को ओपन करिए टू इंटू वन, और फैक्टोरियल थ्री को हमने ओपन कर दिया, ये देखिए कैंसिल हो गया ये दोनों। ठीक, और फैक्टोरियल फाइव से फैक्टोरियल फाइव कैंसिल हो गया। क्लियर, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए टू से इसको कट किया और ये तो पहले कैंसिल हो गया, तो ये हो गया सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, और इंटू थ्री मीन्स हो गया सिक्सटी थ्री, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करने पड़ेंगे, और ये क्वेश्चन इजी भी था और इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने कराया है। जैसे कि मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि टू द पॉइंट स्टडी करिए, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, जो पढ़ना है जो इजी है वही पढ़िए, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए कि किसी एक बुक को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए हमने आपके लिए क्वेश्चंस चूज़ किए हैं, टॉपिक चूज़ किए हैं, पूरे सिलेबस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है लेवल के अकॉर्डिंग, वन टू और थ्री में। तो लेवल वन में भी जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर टॉपिक में से, वो मैंने कहा कि आपको मैं शॉर्टकट मैथड से या जहाँ जहाँ जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मैं ज़रूर करवाऊँगी ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अभी आज परमिटेशन और कॉम्बिनेशन में इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी आपकी प्रोबेबिलिटी मैं पहले करवा चुकी हूँ तो उसको एक बार देख लीजिएगा, और प्रोबेबिलिटी और ये कंबाइन होकर के क्वेश्चन आता है, तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, वो लेवल वन की प्रोबेबिलिटी थी। प्रोबेबिलिटी बहुत एडवांस भी है, वो आपकी लेवल टू में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी आपकी क्लास मंडे टू थर्सडे होगी। मंडे टू थर्सडे की जो टाइमिंग है वो आपकी 3:30 से क्लास स्टार्ट होगी, तो आपकी फोर डेज इन अ वीक क्लास मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इससे हम पूरा कोर्स कवर करेंगे। अगर बीच में मान लो मेरा कोर्स कवर नहीं होता तो फाइव डेज इन अ वीक भी क्लास हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं, बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास यानी मंडे को मिलते हैं। All the best for your selection for your exam.